हेलो जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है थोड़ा सारा ना साड़ी पंजाबी किचन विच। अज आप बना रहे हैं जी दम आलू। यहाँ देखो जी, आलू सारे छिल लेते हैं, इन्हों आप धो लिया जी। धो के हूँ आप इनू एक सीटी लवावे। आलू आप पा ले जी, ये आप चार प्याज लेते हैं, देखो इस साइज के। इन थोड़ा बिच मैं कट लगाता। ये लेते आप दो वड्डे साइज के टमाटर, ये थोड़ा जहा पानी, कुछ सारे आलू पाते जी। चार प्याते प्याज, दो पाते आप वे साइज के टमाटर। आप एक विसल लगावे। हाँ देखो जी, आप सारे आलू कुकर चो कढ़ लए ने गे, सारे अपने आलू ने। इस तरह जिमें आप सारे प्याज पाए से अपने प्याज, उमें जिकर आप आरामदारी कुकर च ही कढ़ लए। इस तरह ही आप टमाटर कढ़ लिया। टमाटर का आप छिलका उतारता। तो जेडे अपने है आलू, इन्होंने आप फोक की मदद इस तरह सारे ना कट लगावे चंगी तरह, ता जो अपना जो सारा रस होंगे ना, मतलब कि मटीरियल होंगे, ये सारा आलूआ च चंगी तरह मिक्स हो जाए। हाँ जी, इधर आप रखे जी तेल गर्म होने वास्ते। गैस अपना ऑन, आप चंगी तरह तेल में गर्म हो जा दो, फिर आप सारे ये मसाले पावे। जिन अपना जिन्ना चिक तेल अपना होंगे जी इन्ने गर्म, आप सारे जेडे प्याज से ये आप सारे इस तरह ना मिक्सी करा इन्ने आप जिन्ना चिक थोड़ा ठंडे करते हैं। मिक्सी गर्म गर्म करा ना, मिक्सी का कई बार ढक्कन खुल के अपने हत्था से पैन का डर होंगे, इस करके आप थोड़े जि करा इन्हों ठंडे। तो इन्ने आप जी इन तेल अपना जी होगा गर्म, आप पावे सब तो पहला तेज पत्ता, आप सारे पावे जी हरे मसाले। वड्डी इलायची, जीरा, ऑरगैनो पाया पहले से, एक ये पाया आपका मतलब कि सुखा धनिया जी, इन्ने अपने होंगे पावे वाला संग। आप जो ग्रैंड किया हुआ मसा पहला लसन, लसन थोड़ा जहाँ लगाने सेक लसन आप एक पास कद्दूकस कर लिया कि ये पावे। हम आप प्याज चंगी तरह प्याज भी भुना जिन्ना चुकी आप जो गोल्डन कलर नहीं होंगे। चलो जी अपने सारे ना ब्राउन हो गए प्याज जो पाए थे, हम आप पकावे टमाटर ग्रैंड किया हुआ, टमाटर भी चंगी तरह पकावे। चलो जी हम ये अपना टमाटर भी चंगी तरह पक गए, हम ये पावे आप लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये पावे आप नमक। बोलो देखो जी अपना मसाला चंगी तरह हो गया, थोड़ा जहा आप इन्हें होर पकावे जिन्ना चक्कर ही मसाला अपना घ्यो अलग नहीं कर दिता। जेड़ा अपना पानी बचा सी ना ये आलूआं दा, आप उही पानी ये पा के इन्हें पकावे, आप पानी वेस्ट नहीं करते। इन्हें आप जिन्हें पा के थोड़े चिर वास्ते, तो ये आप थोड़ा जहा पावे जी मसाले। ये पाया मैं थोड़ा जहा आमचूर पाउडर, ये पाया जी धनिया पाउडर, थोड़ी जी मिर्च, थोड़ा जहा नमक, इन्हों आप चंगी तरह करा जी मिक्स। आ देखो जी आप मसाला देख लेने अपना मसाला, तुम देखो कि वधिया बन के तैयार होया। हम आप पकावे जी जी आप दही सब तैयार किया सारा है ना, दही पाई चंगी तरह आप पकावे जी। देखो जी अपना मसाला कितना वधिया पक के तैयार हो गया, घ्यो भी बिल्कुल अलग हो गया। हुण इहदे विच पावांगे आप आलू। चलो जी आप सारे
मसाले च आप सारे आलू पा दिते नेगे। उस बाद थोड़ा जिहा इहदे पावांगे पानी, आप इहनू सुके इस तरह भी रख सकते हैं गे, तो थोड़ा थोड़ा पानी पा के आप इहनू इहदी ग्रेवी भी बना सकते हैं गे जिवें तुहानू पसंद है। जिन्ना चिकर पकदे नहीं आप उन्ना चिकर इहनू थोड़ा जिहा पानी पा के पकावांगे। लो जी आप चेक करते हैं अपने आलू कि तैयार हो गए, कि थोड़े जे इहदे विच अजे कच्चापन हैगा, थोड़े जे अपने आलू हैगे ने जी कच्चे, पहला आप थोड़े जे कच्ची वाली वाली सी ना, इस करके हम आप पावे थोड़ा जा पानी क्योंकि आप बनानी है थोड़ी जी ग्रेवी। तो हम आप देवे जी ढा के पानी ने पाता, थोड़ा पकाने लो जी आप चेक करते हैं हम अपनी सब्जी नू, अपने 10 मिनट हो गए ने जी सब्जी नू। लो जी अपनी सब्जी बन के होगी तैयार, आप गैस कर देंगे बंद। देखो अपने किन्ने वधिया ये बन के हुए ने तैयार, ये आप बाली ना ही तो ये आप सुके जे रखे है तो ना ही आप बाली दिते, आप थोड़ी जी ग्रेवी वाली आलू दिते जी तैयार है। ये आप हूँ धनिया मेथी पावांगे जी। लो जी अपने दम आलू है जी हूँ तैयार। जेकर तुहानू साडी वीडियो वधिया लगी तो इहनू लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो, तो कमेंट करके दसो जी सानू ये किवें दी लगी।